हेलो टेंथ क्लास, मैं आज आपके लिए एक नया लेसन लेके आई हूँ। बायोलॉजी से है, रिप्रोडक्शन। ओके, तो आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है ये मैं आपको समझाऊंगी, और इसमें रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बताऊंगी, और उनकी टाइप्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें? अपने नंबर, अपनी गिनती, अपनी संख्या बढ़ाने में, ताकि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो सके। ओके, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन नंबर एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल एंड अदर इज सेक्सुअल। ओके, तो हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म। ओके, ये वो रिप्रोडक्शन की तरीका है, मेथड है, जिसमें ओनली एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है। इसमें हम मेल फीमेल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? ओनली वन ऑर्गेनिज्म, और ये वन ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, दो या दो से ज़्यादा, टू और मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बनाएगा। कैसे? अपने आप, अकेला ही। ओके, दिस इज सीन इन ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, उनमें ये देखने को मिलता है। कुछ जो हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें भी बहुत लिमिटेड है, रेयर है, और कुछ प्लांट्स में भी इसको हम देख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो बनाए या दो से ज़्यादा बना दे, ठीक है? पर ज़्यादातर किस में होता है, ज़्यादातर जो है ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, ठीक है बच्चों? अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल, इसमें दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कितने करते थे पहले वाले में, एसेक्सुअल में? ओनली वन, और इसमें कितने करते हैं? टू इंडिविजुअल। सेक्सुअल में टू और एसेक्सुअल में ओनली वन। ओके, और ये टू ऑर्गेनिज्म में एक तो होगा मेल और दूसरा क्या होगा, फीमेल। ओके, अब ये जो मेल है ना, वो मेल गैमीट बनाएगा, और जो फीमेल है वो फीमेल गैमीट बनाती है, ठीक है? तो दो टाइप के गैमीट हो गए, इनको हम सेक्स सेल भी कह सकते हैं, ठीक है, या गैमीट भी बोल सकते हैं। ये दो प्रकार के गैमीट हो गए, एक मेल गैमीट हो गया जो मेल ने बनाया, एक फीमेल गैमीट हो गया जो फीमेल ने बनाया। ये दोनों गैमीट क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ होता है जब, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन जो है इससे एक जाइगोट बनता है, ठीक है? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है जाइगोट, और जाइगोट फिर जब ग्रोथ करता है तो फिर उसे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए, पहले तो दो इंडिविजुअल चाहिए हमें, एक मेल होना चाहिए और दूसरा फीमेल होना चाहिए। दोनों गैमीट बनाएंगे, ठीक है, जिनको सेक्स सेल भी बोल सकते हैं। ये दोनों गैमीट फिर क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, और फ्यूज़ करके फिर जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से फिर जो है एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है
उसमें हमने हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, एक है फिजन, ठीक है, फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, और कॉमनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ये भी बात हमें पता है। अब होता कैसे इसमें, इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, व्हेन द फिजन रिजल्ट्स इनटू टू डॉटर सेल, जब जिस फिजन में दो डॉटर सेल बनी उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। और इसका एग्जांपल जो है पैरामीशियम, अमीबा भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। और इसके उलट हम पढ़ेंगे, अगर इसमें डॉटर सेल जो है बहुत सारे बन जाए, मैनी डॉटर सेल बने, अगर तो टू बनते हैं तो बाइनरी बोला था हमने, अगर बहुत सारे बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन, और ये होता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। फिजन, फिजन का अर्थ होता है टूट जाना, कोई सेल जो है अगर तो दो में टूटता है तो उसको बाइनरी फिजन बोल लेंगे, ठीक है, और अगर बहुत सारों में टूटता है तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे, क्लियर। अब हम चलते हैं बडिंग, हमारा नेक्स्ट आया है बडिंग। बडिंग क्या होती है, तो बडिंग, बडिंग इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। इसमें एक छोटी सिस्ट बनती है, स्मॉल सिस्ट, चाहे सिस्ट को हो, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड आता है बड, ठीक है, बड बनती है। बड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पेरेंट बॉडी पर, जो पेरेंट है ना उसकी बॉडी पर बनती है, और एक न्यू प्लांट, न्यू एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। पहले मैं आपको जो बाइनरी फिजन पढ़ा था उसके बारे में आपको बताती हूँ कि बाइनरी फिजन में हमने ये पढ़ा था ना, बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन में मैंने बोला था कि पैरामीशियम और अमीबा होते हैं ना, तो अमीबा में कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले बाइनरी फिजन का, बाइनरी फिजन ये अमीबा है, अमीबा में क्या है, एक न्यूक्लियस है, ये वाला जो सेंटर में है ना, ये वाला, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। सबसे पहले ये बाकी जो है ये वाला साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होना शुरू होता है, इलोंगेट हो जाता है, लंबा होता है, देखो न्यूक्लियस पहले लंबा हो जाता है और दो हिस्सों में पार्टिस जो है डिवाइड हो गया, और फिर साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, ये वाला साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है बाद में, पहले क्या हो रहा है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होते होते दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं या दो डॉटर सेल बन जाते हैं, इसको टू डॉटर अमीबाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे थे बडिंग, बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, और जिसमें एक सिस्ट लाइक, या इसको मैंने बोला था कि बड बनती है, ठीक है, बड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, क्या बनती है, बड, ठीक है, बड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और ये बड जो है फिर ग्रो करती है पेरेंट बॉडी पर, और जब पूरी ग्रो कर जाती है तो फिर एक नया न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू जैसे हाइड्रा में बना तो हाइड्रा बना देगी, यीस्ट में बना तो यीस्ट बन जाएगा। कैसे होता है ये भी मैं बताती हूँ आपको, अभी ये यीस्ट में होता है ऐसा, एक तो एक हाइड्रा में होता है, ठीक है, कैसे होता है ये भी मैं दिखाती हूँ। ये है हाइड्रा की बॉडी, ये वाली, ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है, ये वाली बॉडी जो है वो हाइड्रा की बॉडी है, ओके, तो हाइड्रा की जो पेरेंट बॉडी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इस हाइड्रा की बॉडी में ये वाले जो होते हैं ना, इसको टेंटिकल्स बोलते हैं, और ये मेन बॉडी होती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो मेन बॉडी पर ये एक, आप देख रहे हो, एक उभार, एक बड, एक सिस्ट पैदा होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे ये सिस्ट बड़ी होनी शुरू हो जाती है, और बड़े होते होते और ग्रो कर जाती है, और ग्रो करके जब पूर्ण बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो ये मेन हाइड्रा की ये जो बॉडी थी ना मेन, इससे अलग हो जाती है, और इसको हम बोलेंगे न्यू हाइड्रा या बेबी हाइड्रा, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बाद, ऐसा यीस्ट सेल में भी ऐसा ही होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे
रीजेनरेशन, क्या पढ़ेंगे, रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, दो दो स्टेप इकट्ठे हैं। तो पहले हम रीजेनरेशन को पढ़ते कि रीजेनरेशन क्या होती है। रीजेनरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना अपने लॉस्ट पार्ट को, ठीक है, ऑर्गन को या बॉडी पार्ट को दोबारा से ग्रो कर लेता है। जैसे आपने लीजर देखी होगी घरों में, ठीक है, कभी कभी देखा ना कि लीजर को अगर हम भगाएं तो वो डर के मारे अपनी टेल जो है वो गिरा देती है, ठीक है ना। जैसे टेल गिराती है तो क्या होता है, टेल गिर जाती है तो कुछ दिनों बाद नई टेल भी आ जाती है, ठीक है। तो ये था लीजर में रीजनरेशन, खोए हुए पार्ट को दोबारा बना लेना। ऐसा ही हम देखते हैं पैरामिशिया, उसमें स्टारफिश में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। स्टारफिश में भी एक लिंब उसकी कट जाए या दो कट जाए तो दोबारा आ जाती हैं, और अगर हमारे नेल हम काट दें तो दोबारा आ जाते हैं ना। हमारे में भी रीजनरेशन होती है पर बहुत कम। रीजनरेशन नेल्स में होती है या तो, या फिर हेयर्स में होती है। अगर आर्म काट दें हम अपनी तो क्या रीजनरेशन होएगी, नहीं होएगी, नहीं होएगी ना। तो ये था रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है ना वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, जिनको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूट जाता है और हर पीस ग्रो करता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। जैसे हाइड्रा में, जैसे प्लैनेरिया में ऐसा ही होता है। कैसे होता है ये भी मैं बताती हूँ। ये है हाइड्रा की बॉडी, ठीक है। इससे पहले मैंने देखो हाइड्रा का ये भी एग्जांपल दिया है, कन्फ्यूज नहीं होना। इसमें क्या पैदा हो रही है, इसमें एक बड पैदा हो रही है, जो बड अलग होती है, ठीक है। अब जो मैंने करवाना है, ये करवाना है रीजनरेशन। तो ये रीजनरेशन में क्या होता है, सॉरी फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक पेरेंट हाइड्रा, ये वाला पूरा हाइड्रा, इस हाइड्रा का यहाँ से बॉडी ब्रेक कर गई, ये की हुई है ना ब्रेक, देखो दिखाई हुई ना, ये वाली बॉडी यहाँ से ब्रेक कर गई। अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस ये अपना नीचे वाला पार्ट उसने ग्रो कर लिया, ये वाला पार्ट नहीं था ना, मिसिंग था ये वाला पार्ट, तो ये वाला इसने ग्रो कर लिया। और ये वाला पार्ट जो था यहाँ पे आया, इसने क्या किया, ऊपर वाला पार्ट मिसिंग था ना, तो इसने ऊपर वाला पार्ट न्यू बना लिया। क्या हुआ, ठीक है, हुआ क्या, ये दो नए हाइड्रा बन गए, एक ये हाइड्रा बन गया, एक ये हाइड्रा बन गया। तो ये था फ्रेगमेंटेशन, जिसमें एक हाइड्रा या प्लैनेरिया में भी ऐसे होता है एक्सीडेंटली टूटा, और टूटने से प्रत्येक पार्ट से ईच पार्ट जो है वो ग्रो किया, और जो खोया हुआ पार्ट था ना, जो ब्रेक कर गया था, टूट गया था, उसको नया पार्ट बना लिया। तो ये था इसका हमारा हाइड्रा में या प्लैनेरिया में फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आप, अच्छा। रीजनरेशन में एक खोया हुआ पार्ट जो है वो बनता है, और फ्रेगमेंटेशन में टुकड़ा हो जाता है, ठीक है, टुकड़ा हो जाता है, टुकड़े का आगे पार्ट बनता है। और अगला हमारा टॉपिक जो आता है स्पोर फॉर्मेशन, क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जैसे होता है म्यूकर में होता है, जितने भी फंगी फंगस है ना, फंगस लाइक, उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्पोर्स बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। फंगस का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, फंगस जो है, जैसे ही मैं म्यूकर का भी बना के दिखा देती हूँ, म्यूकर जो है ऐसा होता है, इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ये वाला न्यूक्लियस है, और साथ में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, ऐसा सही, ये फेवरेबल कंडीशन थी।
जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये अपने चारों ओर एक मोटी सिस्ट बना लेता है, ठीक है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। और जो ये न्यूक्लियस था ना इसके अंदर पड़ा, वो न्यूक्लियस बार बार बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और ये सिस्ट के अंदर बंद ही पड़ा रहता है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये सिस्ट फट जाती है, ठीक है, ये सिस्ट फट जाती है और ये सारे स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये हम पढ़ रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है और एक बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं और जैसी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये सारे स्पोर्स बाहर आकर क्या हो जाते हैं, दूर दूर तक फैल जाते हैं और एक नया, हर एक स्पोर जो है एक नया जो है फ्रूटिंग बॉडी बना देती है, ठीक है, हो गया। आज हमने इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना था, ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। देखो कि हर एक जीव अपने जैसे बच्चे पैदा करता है तो इसीलिए पैदा करता है ना कि उनकी पॉपुलेशन बनी रहे, उनके मरने के बाद भी उनका जो जीवन है वो वैसे का वैसे चलता रहे, ये रिप्रोडक्शन। फिर हमने दो टाइप का पढ़ा, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल, ठीक है, और उसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विभिन्न टाइप्स पढ़ी, एक फिजन पढ़ा, फिजन में हमने प्लाज्मोडियम का जो मल्टी फिजन में लिया था और बाइनरी फिजन में हमने पैरामीशियम और अमीबा का एग्जांपल लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बडिंग पढ़ी थी, ठीक है, बडिंग में हमने किसका एग्जांपल लिया था, हाइड्रा का लिया था, ये है ना, ये हाइड्रा का एग्जांपल हमने बडिंग में, हाइड्रा का एग्जांपल लिया था कि बड बनती है और ये बड एक न्यू हाइड्रा बना देती है। उसके बाद हमने फिर किया था रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन में लॉस्ट पार्ट को दोबारा ग्रो करता है और इसमें जो पार्ट इसका टूट जाता है, फ्रेगमेंट बन जाता है, टूट जाता है, उस पार्ट का को एक नया पार्ट बना लेता है पूरे का पूरा। ये दोनों ही फॉर्म ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, ठीक है, थोड़ा ही फर्क है। और उसके बाद हमने जो लास्ट पढ़ा है वो था स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में हमने एग्जांपल लिया था म्यूकर का या फिर फंजाई का, ये भी इसमें ये बहुत सारे स्पोर्स निकलते हुए दिखाए हैं, फिर ये हर एक स्पोर्स बड़ा होके एक न्यू बॉडी फिर बना देता है, ठीक है बच्चों। आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, इस टॉपिक को समझो, कोई क्वेरीज हो तो आप हमें बता सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो कि हमें ये पार्ट और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, तो आप इस क्वेश्चंस को डायग्राम बना के लर्न करके लिखोगे, ठीक है बेटा, ओके बच्चों।